तो वह रिसेंटली 16 सितंबर को काफ़ी सारे बड़े बड़े टीवी सीरियल्स को लॉन्च किया गया था अलग अलग बड़े बड़े चैनल्स पर और इन्हीं में से कुछ सीरियल्स के अगर हम नाम लें तो जैसे कि हमें स्टार प्लस पे देखने को मिला था फमान खान का नया सीरियल इस इश्क का रब राखा लीना गंगोपाध्याय प्रोड्यूसर की तरफ से दूसरी ओर कलर्स टी वी हमें देखने को मिला था दुर्गा सीरियल प्रणाली रथौड़ का जो कि लीना गंगोपाध्याय ही प्रोड्यूस करी है यानी कि लीना गंगोपाध्याय प्रोडक्शन की तरफ से ये दोनों शो सेम दिन पर लॉन्च हुए थे अलग अलग चैनल्स पर दूसरी ओर जी टी पे हमें दो नए शोज़ देखने को मिले एक तो वसुधा और एक जागृति दोनों अलग अलग टाइम स्लॉट्स पे यानी कि एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पे और एक जो वसुधा है वो लेट नाइट वाली टाइम स्लॉट साढ़े दस बजे पे थी और जो जागृति है वो साढ़े आठ बजे पे यानी कि एक प्राइम टाइम स्लॉट पर और लेट नाइट वाली टाइम स्लॉट पर तो यहाँ पर काफ़ी वैरायटी ऑफ शोज़ नए वाले जो हैं वो आए हैं 16 सितंबर को एंड अब तक आपने कुछ एपिसोड्स भी देख लिए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जितने एपिसोड्स आपने देखे हैं सबसे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी आपको किस सीरियल की लग रही है भले वो स्टोरी लाइन हो भले वो राइटिंग हो जो भी चीज़ हो ओवरऑल आपको कौन सा शो सबसे ज़्यादा पसंद आया और कौन से शो को आप बिगिनिंग से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा और आने वाले दिनों में और सारे अपडेट्स ये शोज़ के रिलेटेड पाने के लिए और इनकी फर्स्ट टी कैसी आएगी वो सब जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब साइड साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी दबा लेना ताकि इनके टीआरपी अपडेट्स देखते हैं कौन सबसे बेटर परफॉर्म करता है फिलहाल के वीडियो में इतना ही मिलते हैं हम किसी और अगले वीडियो में अभी के लिए चलता हूं गुड बाय